नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और सीधा आपको सोनभद्र लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आज गोपाष्टमी का पर्व भी है और साथ ही आज बड़ी सौगात हर घर नल योजना की मिलने वाली है सोनभद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि डिजिटली जुड़ने वाले हैं। 23 स्पेशल परियोजनाओं का यहां पर शुभारंभ होगा। वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। स्वागत किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सोनभद्र की तस्वीर आप देखें, एक बड़ी सौगात आज मिर्जापुर सोनभद्र को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वर्चुअली जुड़ेंगे और 23 पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ भी होगा। ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं, हर घर नल योजना का होगा शुभारंभ। अभिनंदन है आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। मेरे सोनभद्र के वीर सपूतों, आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के मान सम्मान और स्वाभिमान को लौटाया है। जो हमेशा गरीबों की सेवा में रत रहते हैं, जो 84 लाख किसानों का कर्जा माफ किए हैं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रोक दीजिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम को रोक दीजिए। जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की एक नई गति बनाई है, मेरे मित्रों, मेरे लिए सबसे बड़ा बात है अयोध्या का दीपोत्सव हो या वृंदावन का रंगोत्सव हो, पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने का जिन्होंने अभियान छेड़ा है और इन्होंने संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2024 तक सबको जल से, घर घर नल से जल देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है उससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग हर घर को नल से जल देने का काम करेंगे। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं भारत सरकार, दिल्ली सरकार के हमारे मंत्री जिनकी बहुत बड़ी कृपा उत्तर प्रदेश पर है, हम लोगों का ऊपर है, राजस्थान के रहने वाले हैं, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, शालीनता और सज्जनता के प्रतिमूर्ति हैं। इन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश जितना चाहेगा दोनों हाथ खोल करके भारत सरकार देने का काम करेगी। इसलिए जोरदार अभिनंदन आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का हम लोग करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सांसद पकौड़ी लाल जी, हमारे मंत्री, हमारे भाई मित्र आदरणीय सतीश द्विवेदी जी यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उनका भी अभिनंदन है। आदरणीय भूपेश चौबे जी यहाँ के हमारे विधायक हैं, अन्य सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति भाई और बहनों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ। कितना दिव्य स्वरूप है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदेशों का पालन करते हुए, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हर कोई मास्क लगा करके बैठे हैं। सोनभद्र की महान जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार जनता जनार्दन के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है जो विंध्य क्षेत्र को माँ विंध्यवासिनी की कृपा से और यहाँ पर सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। मेरे मित्रों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग काम कर पा रहे हैं, जिनके आशीर्वाद से काम कर पा रहे हैं। जोरदारी से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत आज यहाँ पर 23 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि मंच पर आसीन है माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। भारत माता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज शिलान्यास किए जाने वाले मिर्जापुर और सोनभद्र, इन दोनों ही जिलों के
विंध्य जल आपूर्ति योजना के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी यहां के सांसद आदरणीय श्री पकौड़ीलाल जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय डॉक्टर सतीश जी, आदरणीय विधायक जी, मंच पर आसीन अधिकारीगण, तकनीकी के माध्यम से जैसा मुझे बताया गया है 23 स्थानों से जुड़े हुए सारे सांसदगण, विधायकगण, और आज इस अभूतपूर्व योजना के शिलान्यास के अवसर पर दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए सारे जनप्रतिनिधिगण और अपार उत्साह से लबरेज, कि जिनके उत्साह को देख करके मैं समझ सकता हूं कि इस विंध्य क्षेत्र में पानी कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैं उसी ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां देश में पीने का पानी सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र। मित्रों, मुझे आज प्रसन्नता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज मां विंध्यवासिनी की इस धरती पर आप सब लोगों के बीच में आने के मुझे अवसर मिला है। यहां से कुछ ही दूर पर जब मैं आ रहा था, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिखाया कि मां गंगा यहां से कुछ ही दूरी पर बह रही हैं। मैं मां गंगा को भी प्रणाम करता हूं और इस मां विंध्यवासिनी की धरती को भी वंदन करना चाहता हूं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने पिछले 5 साल में साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गरीब व्यक्ति को आवास मिले, हर एक व्यक्ति को आवास मिले, मां बहनों की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर एक व्यक्ति को शौचालय मिले, 21वीं शताब्दी के इस भारत का हर एक घर रोशन हो, हर घर को बिजली मिले, माताओं को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए गैस का चूल्हा मिले, हर घर को बैंक का खाता मिले, हर गांव को सड़क मिले, साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसे स्वास्थ्य की चिंता से मुक्ति मिले, ऐसी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के बाद में 2019 में लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की और उन्होंने कहा कि 2019 में जब आज मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, देश की आजादी को 72 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस 72 साल में भी आज तमाम प्रयासों के बावजूद भी केंद्र सरकारों ने प्रयास किए होंगे, राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, स्थानीय सरकारों ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए होंगे, लेकिन आज भी हम केवल लगभग 19 करोड़ घरों में से केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचा पाए। आज भी लगभग 15 करोड़ 70 लाख घरों की महिलाओं को, माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन पानी अपने सिर पर ढोने के लिए ढोकर के बाहर के उपयोग के लिए लेने आना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प व्यक्त किया कि 2024 तक हम प्रत्येक घर को पीने का पानी नल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, समुचित मात्रा में पानी मिले और उचित गुणवत्ता का पीने का पानी मिले, ताकि पीने का पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति के साथ साथ में एक स्वास्थ्य के स्तर के सुधार में भी हम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। 2019 की 15 अगस्त को घोषणा की गई
हमने राज्य सरकारों के साथ में संवाद किया, चर्चा की, वहां की परिस्थितियों को समझा, योजनाओं को बना करके मूर्त रूप देने के लिए गाइडलाइंस इश्यू की, और लगभग ये काम जब पूरा कर पाते उसी के साथ साथ में पूरी दुनिया को इस कोरोना की आपदा ने अपने आगोश में झड़कर लिया। मित्रों, कोरोना की आपदा आने के बावजूद भी मैं आज उत्तर प्रदेश की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय योगी जी का कि उन्होंने इस आपदा से घबराने के बजाय एक और संकल्प देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का इस मिशन को और अधिक मजबूती प्रदान की कि हमने प्रेषक प्रधानमंत्री जी ने यह लक्ष्य 2024 का रखा है, लेकिन हम 2022 तक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं आज माननीय योगी जी का इसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, कोरोना की आपदा के कारण से सब कुछ एकाएक ठहर गया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है, और आपदा को अवसर में बदलने के इस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से देश में हमने काम किया, मैं आज आप सबसे प्रसन्नता के साथ में, गर्व के साथ में ये कह सकता हूं कि जैसा मैंने कहा कि 72 साल में 3,23,00,000 घरों तक हम पहुंच पाए थे, पिछले 15 महीने में कोरोना की इस आपदा के होते हुए भी हमने 2,60,00,000 घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। आज कोरोना के इस संकट के होने के बावजूद भी 1,00,000 से ज्यादा घरों में प्रतिदिन हम पानी पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस गति के साथ में उत्तर प्रदेश में काम प्रारंभ हुआ है, जहां जब शुरुआत की थी उस समय केवल 2% से भी कम आवासों तक, घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था, आज ये आंकड़ा बढ़कर के 6% को पार कर चुका है, और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस गति के साथ में काम हो रहा है, जिस तेजी के साथ में काम हो रहा है, हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी इस लक्ष्य को 2022 तक पूरा कर पाएंगे। पिछले दिनों इस कोरोना के बीच में ही श्रद्धेय योगी जी के साथ में हमने बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया था, और बुंदेलखंड के उस पूरे क्षेत्र को पीने का पानी मिले, समुचित मात्रा में मिले, उचित गुणवत्ता का पानी मिले, उसके लिए वहां तेजी से काम हो रहा है। अभी हमने पिछले कुछ ही दिन पहले ही हमने उसके लिए जब रिव्यू कर रहे थे तब उसके बारे में चर्चा की थी, तेजी के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। पानी मिलने के साथ साथ में गांव में पीने के पानी का प्रबंधन, उसका रखरखाव गांव के लोग करें, गांव की समिति मिलकर के करें, उसके माध्यम से गांव में एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप खड़ी हो, एक ताकतवर लीडरशिप गांव के विद इन द विलेज खड़ी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसके ऊपर भी साथ साथ में काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जल जीवन मिशन की शुरुआत घोषणा की थी उसी के साथ में हमें मार्गदर्शन दिया था कि ये केवल पीने का पानी पहुंचाने की योजना मात्र बनकर न रहे, इस योजना के माध्यम से हम साथ साथ में अपने जो सोर्सेज को सस्टेनेबल बना सके, किस तरह से बना सकते हैं, इसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में जो पानी गांव में घर में उपयोग करने के बाद में घर से बाहर निकलता है, उस ग्रे वाटर का ट्रीटमेंट करके उस पानी को किस तरह से रिसाइकल करके रीयूज किया जा सकता है, खेती में उसको किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, क्या उसे उद्योग धंधों के लिए किस तरह से रीयूज किया जा सकता है, और यदि कोई भी संभावना न हो तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए शुद्ध करने के बाद में उसे किस तरह से रीयूज किया जा सकता है, इसके ऊपर हमें साथ साथ में काम करना है। 15वें वित्त आयोग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो घोषणा इस वर्ष के लिए की है, जो 60,000 करोड़ रुपए की ग्रांट स्टेट्स को दी है, उसमें से 30,000 करोड़ रुपए 50% को टाइड अप ग्रांट के लिए रूप में दिया है, जो केवल पेयजल और सैनिटेशन के विषय पर खर्च होने वाली, एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात, देश को जल समृद्ध बनाने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में प्रारंभ हुआ है, एक नई जल चेतना देश में प्रारंभ हुई है। सरकार बनने के साथ में ही उन्होंने संकेत दिया था, विभिन्न मंत्रालयों का गठन करके, एकीकरण करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया कि पानी जैसे महत्वपूर्ण विषय, जो विकास का एजेंडा, विकास के एजेंडे का आधार है,
उसका ध्रुव है, उस एजेंडे को अब हम अलग अलग तरह से विचार नहीं कर सकते, एक ही जगह समग्र रूप से उसका विचार किया जाना चाहिए, उसके लिए पॉलिसी प्लानिंग किया जाना चाहिए। और मैं एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी का कि उन्होंने देश में सबसे पहला राज्य जहां जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया वो उत्तर प्रदेश राज्य था, और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जैसे ऊर्जावान व्यक्ति को, जैसे मेहनती व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी, जो पूरी ताकत के साथ में जुट करके योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम इस योजना का शिलान्यास करने विंध्य क्षेत्र के कुल 3,393 गांवों में से जो है 2,995 गांवों में काम होगा, और मैं आज कह सकता हूं कि बहुत तेजी के साथ में हम इस काम को पूरा करेंगे और आने वाले 2 साल में इस काम को जो है हम संपूर्ण करके रहेंगे। मैं धन्यवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि मां गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया है और देश को समग्र रूप से जल सुरक्षित, जल समृद्ध बनाने के लिए सारे आस्पेक्ट्स पानी के जिनके ऊपर एक साथ काम शुरू किया है, निश्चित ही आने वाले समय में जो नया भारत बनाने का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वो सपना और संकल्प पूरा होगा और उसका मार्ग जो है जल समृद्धि के मार्ग से जाएगा। मैं विंध्य क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी है और हम सब किसी भी तरह से धन की कमी इसमें नहीं आने दी जाएगी, और हम सब मिलकर के माताओं बहनों के इस कष्ट को समाप्त करने के लिए काम करेंगे, अपने क्षेत्र को जल समृद्ध बनाएंगे और अपने क्षेत्र को जल समृद्ध बनाने के साथ साथ में अपने देश को जो है समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न, समर्थ राष्ट्र बनाएंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, श्रद्धेय योगी जी का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। चतुर्दिक विकास के नित नए क्षितिज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नई उड़ान, यही है अब उत्तर प्रदेश की पहचान। उत्तर प्रदेश को ये नई पहचान देने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। विंध्य क्षेत्र के पेयजल परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए आयोजित आज जो विभिन्न समारोह जनपद सोनभद्र और जनपद मिर्जापुर के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य इन सभी समारोह को एक साथ प्राप्त होगा। और इस अवसर पर हमारे साथ यहां पर विशेष रूप से उपस्थित हैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनके सहयोग से हम इन सभी परियोजनाओं को आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उनका विंध्य क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जनपद सोनभद्र के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, माननीय सांसद श्री पकौड़ीलाल कोल जी, मान्य विधायक रावर्सगंज श्री भूपेश चौबे जी, अलग अलग समारोह में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद मिर्जापुर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सभी मान्य विधायकगण,
राज्यसभा के हमारे माननीय सांसदगण, प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति से अनुराग श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष अजीत चौबे जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित इस क्षेत्र के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में इस बहुप्रतीक्षित बिंद क्षेत्र की पाइप पेयजल की परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं सबसे पहले आप सबको इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। जल की आपूर्ति करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी और शुद्ध पेयजल का मतलब बीमारियों का सर्वथा अंत, यानी अगर केवल जेनेटिक बीमारी को छोड़ दें तो फिर किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी को सदैव के लिए रोकने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वह दो कार्यों का है, एक स्वच्छता का और दूसरा शुद्ध पेयजल का। और आज शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के इस कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से थोड़ी देर में प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए सोनभद्र के सभी जनता जनार्दन को, मिर्जापुर जनपद के सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आप याद करिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम लोग बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ गांव को देंगे, गरीब को देंगे, किसान को देंगे, नौजवान को देंगे, महिलाओं को देंगे, समाज के प्रत्येक तबके को देंगे, विकास सबका लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, सबका साथ सबके विकास की भावनाओं को चरितार्थ करने के लिए आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। संभवतः इस क्षेत्र में इतनी बड़ी विकास की परियोजना पहले कभी आई नहीं और इतनी भारी भरकम परियोजना को आज कोरोना काल खंड में भी विकास से वंचित क्षेत्र नहीं होगा, यही आश्वासन प्रधानमंत्री जी भी देने जा रहे हैं और यही आश्वासन देने के लिए मैं भी, गजेंद्र जी भी, महेंद्र जी भी और सतीश जी भी, पकोड़ीलाल जी भी, भूपेश जी भी, वे सभी लोग यही आश्वासन देने के लिए आपके बीच में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के भी कहने के लिए आए हैं कि आपका हित ही प्रदेश का हित है, देश का हित है और इस हित को सर्वोपरि मानते हुए कोरोना कालखंड में इतना बड़ा समारोह आयोजित करके आप सबको और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यहां पर आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है और यहां पर हम लोग धनरोल डैम के किनारे खड़े हैं। इतना पानी सचमुच शेखावत जी जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, वे जिस राजस्थान से आते हैं, उन्होंने जब यहां पे आपके बीच में इस धनरोल डैम के जल के स्तर को और यहां पर पर्याप्त मीठे जल को देखा होगा, उन्हें अवश्य इस बात की पीड़ा होगी कि इतना पानी अगर राजस्थान में होता तो राजस्थान का वे कायाकल्प कर देते। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और इतना ढेर सारा विशुद्ध जल। गजेंद्र जी 1917 में डैम बना था और 1917 से यहां पर पेयजल के लिए भले ही इसका इस्तेमाल भरपूर रूप से न हो पाया हो लेकिन सिंचाई की सुविधाओं के लिए इस डैम ने यहां पर एक भूमिका का निर्वहन काफी हद तक किया था। और आज प्रधानमंत्री जी और आपके कारण यहां की सभी ग्राम पंचायतों को इस डैम के पानी को ट्रीट करके उसे घर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए भी यहां माध्यम बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी और आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से धन्यवाद देता हूं।
कि हमारी जनता को शुद्ध जल उपलब्ध होगा तो इन्हें दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर में ही पाइप मिलेगा और अपनी आवश्यकता के अनुरूप इन्हें विशुद्ध जल की आपूर्ति के माध्यम से ये लोग न केवल खुशहाल होंगे अपितु तमाम ढेर सारी बीमारियों को भी दूर करने में इन्हें मदद मिलेगी। विकास की पार संभावनाओं से भरपूर है सोनभद्र जनपद और सोनभद्र जनपद की नई संभावनाओं को आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने यहां पे पर्यटन के अनेक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहां की जो हवाई पट्टी है उसका हम विस्तार कर रहे हैं जिससे यहां पर हवाई सेवा भी प्रारंभ की जा सके। अगर पकौड़े लाल जी को दिल्ली जाना हो तो उन्हें यहां से प्रयागराज या वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा बल्कि हवाई जहाज उनको सुविधा उनको यहीं पर इसी जनपद में उपलब्ध हो जाए और इसके लिए यहां की हवाई पट्टी के विस्तार और उसके विकास की कार्य योजना को भी हमने युद्ध स्तर पर लिया है। पिछले दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी ने इसकी समीक्षा भी की थी कि कैसे यहां पर वायु सेवा के साथ इस जनपद को जोड़ा जाए और साथ साथ यहां पर तो मैं जिस संप्रदाय की परंपरा से आता हूं योगीराज मत्स्येंद्रनाथ जी की यहां पर साधना स्थली भी है, यानी पर्यटन विकास की कितनी संभावनाएं उनका धुना यहां पर आज भी है। हजारों वर्षों के बाद भी उनकी धुनी यहां के लोगों को एक नई चेतना जागृत करने की ओर अग्रसर करती है। प्राकृतिक सौंदर्य यहां भरपूर है, जिला प्रशासन ने इसके लिए कॉफी टेबल बुक बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। एक एक चीज को अगर हम उतार करके देश और दुनिया के सामने रखने का प्रयास करेंगे कोई कारण नहीं आने वाले समय में पर्यटन की संभावनाओं के साथ साथ यहां के नागरिकों में व्यापक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी हमें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बस इसमें एक सकारात्मक पहल की आवश्यकता थी, आज केंद्र और प्रदेश सरकार उस सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने का हो या हर गांव में बिजली देने का हो, जहां पर जंगल के कारण फॉरेस्ट लॉ के कारण हम लोग बिजली देने में बिजली की लाइन वहां बिछाने में दिक्कतें हैं, वहां पर हमने सोलर पावर की स्थिति वहां पर उपलब्ध कराने के सोलर पैनल लगाने की व्यवस्था वहां पर की है। जहां पर जो भी सुविधा जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है उसे उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज सरकार कार्य कर रही है और उस कार्यक्रम के साथ जनता जनार्दन का सहयोग हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट किया है। जनपद सोनभद्र के अंदर जितनी भी जनजातियां हैं इस देश से बहुत समृद्धशाली जनपद है। अगर मैं कहूं कि देश के अंदर जितनी भी जनजातीय समूह हैं उन सब की उत्पत्ति का स्थल कोई एक जनपद है, वह जनपद सोनभद्र है और सोनभद्र में उन सब के संरक्षण के साथ उन सब के विकास के संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां पर जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला है उन्हें ये सुविधा समयबद्ध ढंग से आगे भी मिलेगी ही, लेकिन जो इससे वंचित हैं उन्हें हम मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ देंगे। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर एक गरीब परिवार को और खासतौर पर हर जनजातीय परिवार को देने की व्यवस्था यहां पर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शासन की हर सुविधा का लाभ यहां के गरीब को यहां के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो इस दृष्टि से आज ये विकास की परियोजना के साथ आपको जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कार्य है। आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे इसकी, यानी 70-72 वर्षों में 72 वर्षों में कुल 398 गांवों में बिंदु क्षेत्र में पेयजल की योजना लागू हो पाई और आज बिंदु क्षेत्र की लगभग 3000 से अधिक गांवों के लिए शुद्ध पेयजल की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री जी का कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी वर्चुअली दिल्ली से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया भी जुड़ने वाली हैं। एक साथ इन सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद यहाँ के जनमानस को प्राप्त होगा और जनता जनार्दन का भी सानिध्य और सहयोग उन्हें प्राप्त हो, इस दृष्टि से आज एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आपने अभी विजयादशमी का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया, आपने अभी हाल ही में दीपावली और छठ का कार्यक्रम पूरे धूमधाम के साथ संपन्न किया है और मुझे लगता है कि आज सोनभद्र और मिर्जापुर वासियों के लिए किसी दीपावली, कोई छठ और किसी विजयादशमी से कम आयोजन नहीं होना चाहिए कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आपके साथ आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, जो माननीय सांसद मिर्जापुर, माननीय सांसद सोनभद्र, माननीय विधायकगण, जितने भी हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण हैं, इन सबके कार्य, इनके सबकी सराहना करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे और स्वागत करने के साथ प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री जी कुछ यहाँ के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे, परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और साथ साथ यहाँ पर अपना मार्गदर्शन देते हुए उन परियोजनाओं का शुभारंभ करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं विंध्य क्षेत्र के सोनभद्र और मिर्जापुर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से इसी ढंग से आगे बढ़ती रहेगी, इसी तीव्र गति से आगे बढ़ती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी बधाई, हृदय से शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बस कुछ ही पलों में माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी हम सबसे जुड़ेंगी। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है जो हमें साथ होने का आभास देती है। राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जुड़ चुकी हैं और उनका भी आशीर्वाद हमें मिल रहा है। बस इंतजार है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जुड़ने का। पीड़ित मानवता के संत्रास को हर्ष और उत्कर्ष में बदलने वाले हम सबके गौरव, हम सबके विश्वास, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री माने वाले हम सबके गौरव, हम सबके विश्वास, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बस कुछ ही पलों में हमसे जुड़ेंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तो अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटली जुड़ने वाले हैं और एक बड़ी सौगात सोनभद्र मिर्जापुर को मिलने वाली है, जहां 30 पेयजल परियोजना का सीधा शुभारंभ होने वाला है।
तो आपको ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिरसा सोनभद्र को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इससे पहले आप योगी आदित्यनाथ को भी सुन रहे थे, तमाम महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा किसी को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। 5555 और तो विंध्य को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और ऐसी समस्या से निजात मिलने वाली है जो सालों से झेलने को मिलती थी लोगों को। और तमाम महत्वपूर्ण बातें योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी कही गई। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे कुछ क्षणों में। 2995 गांवों के लोगों को साफ और स्वच्छ पेयजल मिलेगा। एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी जाएगी विंध्य के लोगों को। मिर्जापुर और सोनभद्र को एक बड़ी सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ चुके हैं, हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आज एक बड़ी सौगात उनके द्वारा के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा उनके अनुकंपा से आज इस विंध्य क्षेत्र की 23 पाइप पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 9 पाइप पेयजल परियोजनाएं जनपद मिर्जापुर की और 14 पाइप पेयजल की परियोजना जनपद सोनभद्र की हैं। मिर्जापुर के 1606 गांव, जनपद सोनभद्र के 1389 गांव यानी 2995 गांव इन परियोजनाओं के निर्माण से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में कुल 5555 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 वर्षों तक इन परियोजनाओं के कार्य पूरा होने के उपरांत उसके अनुरक्षण का दायित्व भी कार्यदायी संस्था के द्वारा ग्रामीण समूह गांव की गांव ग्राम पंचायत के साथ मिलकर के उसका कार्य संपन्न किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक इस क्षेत्र में कुल 398 गांव में ही पाइप पेयजल की परियोजना थी और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जिस कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है 2995 गांव एक साथ इस पेयजल की पाइप पेयजल की परियोजना के साथ हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गांव के प्रति, गरीब के प्रति, महिलाओं के प्रति, एक जन सामान्य के प्रति और विकास में सबका साथ सबके विकास के उस भाव को, उस दूरदर्शिता को प्रदर्शित कर रहा है जिसके कारण आजादी के बाद 70 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया आज एक साथ 3000 से अधिक ग्रामीण समूहों में पाइप पेयजल की परियोजना जिससे 41 लाख से अधिक की जनसंख्या इससे लाभान्वित होने जा रही है। इस कार्यक्रम का शिलान्यास और शुभारंभ के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, विंध्य क्षेत्र की जनता की ओर से हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनका मार्गदर्शन विकास के लिए हमें जिस रूप में प्राप्त होता है निश्चित ही ये क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र, हमारा विंध्य क्षेत्र सदैव गर्मियों में पीने के पानी से त्रस्ता था। ये पाइप पेयजल की परियोजना केवल पीने के पानी की आपूर्ति नहीं करेगा बल्कि विभिन्न प्रकार की उन बीमारियों से भी इस क्षेत्र को मुक्त करेगा जिसके कारण बहुत सारी मौतें अशुद्ध पेयजल के कारण हो जाती थी। ये परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद यहां के माताओं और बहनों की समस्याओं का समाधान तो होने ही वाला है, साथ साथ ढेर सारी बीमारियों का समाधान भी इसके माध्यम से होगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की इस परियोजना उत्तर प्रदेश में दूसरी बार इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं एक बार फिर से प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम में उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है।
इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया था, कुल मिलाकर 23 पाइपे योजनाओं के, जिनकी की लागत 5,555 करोड़ रुपए है, उनके शिलान्यास का और इस संबंध में एक शॉर्ट फिल्म तैयार की गई है और शिलान्यास के बाद उसके प्रदर्शित करने की अनुमति आपसे प्राप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि उक्त जनाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास ऑनलाइन डिजिटल बटन दबाकर करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे गांवों को पीने का पानी सुलभ हो रहा है। जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही, ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान है। अपने आंचल में सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य समेटे विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। अब तक विंध्य क्षेत्र के कुल 3,393 ग्रामों में से मात्र 398 ग्राम ही पेयजल योजनाओं से आच्छादित थे। इसी समस्या के निवारण का संकल्प लेते हुए प्राथमिकता पर शेष 2,995 ग्रामों में पेयजल योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होने जा रही है और पेयजल का मतलब, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारियों का समाधान। 5,555 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की जा रही इन योजनाओं से लगभग 42 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। जनपद मिर्जापुर में 2,343 करोड़ रुपए लागत की 9 पाइप पेयजल योजनाओं का तथा जनपद सोनभद्र में 3,212 करोड़ रुपए लागत की 14 पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं से विंध्य क्षेत्र पेयजल के संकट से पूरी तरह मुक्त होकर विकास के नए पथ पर अग्रसर होगा। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, जैसा कि आपने भी देखा, जिस बड़ी सौगात की आज शुभारंभ, आज उद्घाटन होने वाला है, उसके बारे में एक एक
झलके हम सबने देखी। इलाके के 42 लाख लोगों को सीधा फायदा इससे पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के कार्य यहां पर किए जा रहे हैं। 42 लाख लोगों को इससे सीधा फायदा पहुंचेगा। आप देख सकते हैं मंच पर कौन कौन मौजूद है। 2995 गांवों के लोगों को साफ और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। बिरसापुर सोनभद्र को एक बड़ी सौगात और खुद सीएम योगी के द्वारा भी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। उन्होंने कहा कि अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा सोनभद्र मिर्जापुर के लोगों को, जो कि कई सालों से इससे वंचित थे। परासी पेयजल परियोजना की लागत कितनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। झीलों बीजपुर परियोजना की लागत और अंबार परियोजना की लागत कितनी है, लगातार हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं। विंध को जो बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। बिहाली बिलाही परियोजना भी यहाँ पर दी गई है। हर्रा कदरा और निवारी परियोजना की लागत भी कितनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। योजना में कुल मिलाकर 5555 करोड़ तक आए हैं और मिर्जापुर सोनभद्र के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में से, जहां पर प्रधानमंत्री बस ने के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विंध्याचल हर घर में 2024 तक घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। शायद कनेक्टिविटी की समस्या लगती है, चलिए जिन लाभार्थियों से नल जल कनेक्शन मौजूद है। कोविड 19 महामारी के बावजूद पिछले 15 महीनों में हमने देखा कि करीब 2 अच्छा मुझे बताया गया है कि आप कोरोना काल में मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है और मदद कर रही है। जनसेवा के इस काम में ये आपको अनुभव कैसा रहा और लोग ये बात मानते हैं कि मास्क पहनने वाली? हाँ सर, कोरोना संकट में हम मास्क के समूह द्वारा अपने गांव में मास्क बनाकर लोगों को बांट रही है और मदद कर रही है। जनसेवा के इस काम और अपने गांव और किसान दीदी भैया और मजदूर मनरेगा में काम करने वाला है उन सबके बातें। कितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं? बोल सकती साहब, हमारे गांव में हमारे समूह में 14 महिलाएं हैं। अब तक कितना मास्क बांटा होगा आपने लोगों को? कितने लोगों को मास्क पहुंचाया होगा आपने? लगभग हम अपने गांव से लेके अच्छा जिले से लेके ब्लॉक से 1000 मास्क बांटे हैं। ये जो पानी का कार्यक्रम बड़ा बना रहे हैं हम लोग, घर घर पाइप से पानी पहुंचेगा, तो ये बात आप सब महिलाओं के बीच में गांव के लोगों में पहुंच गई है क्या? हाँ साहब, हमारे समूह में गांव के महिलाओं से ये जो किए गए ताकि हम लोग के घर घर पानी का दिक्कत रहा था। नहीं, क्या लगता है सब गांव वालों को क्या लगता है, ये पानी की व्यवस्था होगी तो क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? हमारे गांव में पानी का सुविधा ताकि घर घर पानी मिले, ताकि जो दीदी भैया हमारे यहाँ नदी से और कुआं से कितना दूर से लाना पड़ता है? 1 किलोमीटर पूरी 1.5 किलोमीटर दूरी से। और पानी कैसा होता है? पानी शुद्ध होता है या ऐसा ही पानी? ना ही आपको साफ। अब जब साफ पानी मिलेगा
तो लोग पानी बचाएंगे कि पानी बर्बाद करेंगे, क्या लगता है आपको? पानी बचाएंगे। पक्का बचाएंगे? हाँ साहब। देखिए पानी का महत्व क्या है, पानी के बिना जिंदगी कितनी कठिन है, ये हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, हमारा कच्छ जो है वो तो पूरा रेगिस्तान है, जैसे आपका विंध्य में पानी की दिक्कत है, जैसे बुंदेलखंड में पानी की दिक्कत है, वहां रेगिस्तान में भी यही हाल था। तो हमने महिलाओं की कमिटियां बनाई और उन्हीं को काम दिया। इतना अच्छा काम किया बहनों ने, वो सारी चीजों को संभालना, लोगों से टैक्स वसूल करना, कभी खराब हो जाए तो रिपेयरिंग करना, सब काम बहनें करती थी। उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। तो मैं चाहूंगा कि महिलाओं में अगर जागृति रहेगी तो पानी का काम भी अच्छा होगा और पानी बचाव का भी काम अच्छा होगा। तो फूलपति जी, अब आपका जो स्वसहाय जूथ है उनको आपने ट्रेन करना चाहिए पानी के लिए, उनको समझाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए पानी कैसे बचाना। तो करेंगे आप लोग? पक्का करेंगे? चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।